इस वीडियो में हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना या फिर बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे, और वो भी बिना किसी एप्लीकेशन या फिर बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन करना होगा। तो चलिए हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है remove.bg। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं remove.bg, उसके बाद इंटर पे प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड इमेज का। आप जिस भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं या फिर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, उस पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कीजिए। तो चलिए हम अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपना एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर अपलोडिंग हो गया है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो देखिए ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ पे आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव वाले पिक्चर को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। अगर आप इसमें पीछे में बैकग्राउंड भी डालना चाहते हैं तो अब आप यहाँ से ये सब कर सकते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई बैकग्राउंड सेव है और उस बैकग्राउंड को आप अपने इमेज के साथ सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपलोड बैकग्राउंड पे जाना होगा। उसके बाद मान लीजिए हम ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड चेंज कर देगा, और इसमें भी बहुत सारा दिया गया है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लर वाला ऑप्शन है। आपको थोड़ा सा ब्लर चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लर चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इतने सारे बैकग्राउंड का यूज आप फ्री में कर सकते हैं। ये देखिए एकदम नीचे तक है। उसके बाद आपको अगर सॉलिड कलर चाहिए तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सॉलिड कलर का बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। तो ये सब आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सॉलिड कलर में भी इतने सारे ऑप्शन हैं। व्हाइट आप रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप फ्री में यूज कर सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये वाला सॉलिड कलर के लिए, ये ऑप्शन है। अगर आप फोटो के साथ अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इतना सारा यूज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर सेव करना है तो बस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे है डाउनलोड इमेज, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए ये डाउनलोड हो गया है। यहाँ से आप ओपन कीजिएगा। तो देखिए ये ओपन हो गया है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।